खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवर लाहौर में घर में घुसकर अज्ञातों ने मारी गोलियां। 1990 में भारत से हुआ था फरार, नकली नाम के इस्तेमाल से पाकिस्तान में रह रहा था। खालिस्तानी आतंकवादी ने 1999 चंडीगढ़ में कराया था धमाका, सीमा पार ड्रग और हथियार की तस्करी में था शामिल। पाकिस्तानी एजेंट परमजीत सिंह ड्रोन के जरिए भारत में भेजता था नशीली दवाएं और हथियार। नमस्कार, मैं हूं आशा सिंह और आप देख रहे हैं NMF News। पाकिस्तान के लाहौर में खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवर का खात्मा हो गया है। आतंकी को घर में घुसकर मारा गया है, सटीक निशाने से काम तमाम हो गया है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवर खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना था और पाकिस्तान से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। वो 1990 में भारत से फरार होकर पाकिस्तान में जाकर छिप गया था और अब अज्ञात बाइक सवारों ने लाहौर के जौहर कस्बे के सनफ्लावर सोसाइटी में घुसकर परमजीत सिंह पंजवर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। निशाना इतना सटीक था कि परमजीत सिंह पंजवर की मौके पर ही मौत हो गई है। हमलावर शनिवार सुबह 6 बजे बाइक पर सवार होकर सोसाइटी में घुसते हैं। उन्होंने परमजीत सिंह पंजवर पर हमला किया और मौके से फिर वो फरार हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन है परमजीत सिंह पंजवर। परमजीत सिंह पंजवर लाहौर में मलिक सरदार सिंह के फेक नाम से रह रहा था। परमजीत सिंह मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था। वो पंजाब के तरन तारण जिले के झब्बाल गाँव में रहता था और पंजाब के सोहेल में एक बैंक में जॉब करता था, लेकिन उसकी मुलाकात कुछ आतंकवादियों से हुई और आतंकवादियों के संपर्क में आने के बाद उसने खुद एक आतंकी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स ही बना लिया। वह खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना परमजीत सिंह पर यह भी आरोप है कि उसने 30 जून 1999 को पासपोर्ट कार्यालय के पास बम ब्लास्ट कराया था। वहीं भारतीय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2020 में आतंकवादियों की जो एक लिस्ट जारी की थी उसमें भी परमजीत सिंह पंजवर का नाम शामिल था। परमजीत सिंह पंजवर पाकिस्तानी एजेंसी ISI का एजेंट था। उसके ही इशारे पर वो भारत को बर्बाद करने का मंसूबा पाले हुए था। पाकिस्तानी एजेंसी परमजीत सिंह पंजवर के जरिए भारत में ड्रोन के माध्यम से नशीली दवाओं, ड्रग्स और हथियार की तस्करी करवाती थी। परमजीत सिंह हथियारों और ड्रग्स की तस्करी से पैसे इकट्ठा करता था और फिर उसी पैसे से अपनी आतंकी फोर्स की जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन अब उसका खात्मा हो गया है, यानी कि भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। बहरहाल इस पूरे खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।